आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जैसलमेरी काला चना कढ़ी, जो कि काला चना सिर्फ पोषण से ही भरपूर नहीं है बल्कि यह स्वादिष्ट भी बनती है। और बॉडी की बात करें तो यह काला चना खाना चाहिए, जो हमारी खून को अक्सर कमी को पूरा करती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं हमें इनके लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पर हाफ कप चने लिए हैं, काले चने हाफ कप इसलिए लिए हैं कि जब हम चने को भिंगाते हैं तो ये सीधे दोगुना हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। सबसे पहले ये मार्केट की चना है, हम इसको अच्छी तरीके से बीन लेंगे ताकि इसमें मिट्टियाँ उट्टियाँ वगैरह नहीं हो। सभी को बीन कर इसको हमने पानी में भिंगाना है। रात भर के लिए भिंगने छोड़ दें, या अगर रात में नहीं भिंगाते हैं तो कम से कम 4 घंटे भींगने दें, लेवल का पानी डाल के इसे भिंगा दें। ये प्रोसेस हमने पहले ही ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कुछ इस प्रकार आपने देखा, जब हाफ कप भिंगाए तो कुछ चने इतने हो गए, डबल हो गया। तो चलिए इसमें से अब हमें क्या करना है, इसको हम एक कुकर लेंगे और इसमें से अच्छे से इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है भींगने के बाद भी। सभी काले चने को हमने इसमें कुकर में डाल देना है। आपको इस पानी से पता चल रहा होगा कि हमने कितना क्लीन पानी से धोया है, क्योंकि मार्केट वाले चने में ना केमिकल होती है, इसे धोना बहुत ज़रूरी है। अब जितना आपने चना लिया है उसी के अकॉर्डिंग लेवल का पानी आपको यहाँ पर ले लेना है, ताकि ये चना जो है अच्छे से उबल जाए। थोड़ी सी डालेंगे यहाँ नमक हाफ स्पून, ताकि ये गलने में जल्दी से मदद होगी। चलिए हम इसको गैस पे फुल फ्लेम पे 5 से 6 सीटी लगने देंगे, और प्रेशर जब तक रिलीज नहीं करती है तब तक हम इसे ओपन नहीं करेंगे। चलिए जब तक वो सीटी लग रही है तब तक हम आइए देखते हैं मसाले क्या क्या हमने लिया है। हमने हाफ कप चने था तो हमने यहाँ 1 कप दही लिए हैं, खट्टी दही है। जब भी कोई कढ़ी बनती है तो खट्टी ही चाहिए। वहीं हम 2 स्पून बेसन लिए हैं। बेसन हम यहाँ इसलिए कम लिए हैं क्योंकि चना ऑलरेडी जो चने का बेसन बनती है ना, तो चने का हम कढ़ी बना रहे हैं तो चने को भी थोड़ी सी मैश करके डालेंगे। चलिए टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप नमक खा सकते हैं। वहीं डाल रहे हैं 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून भुना जीरा पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर और 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून लाल मिर्च। यहाँ 1 स्पून इसलिए लिए हैं कि 1/2 स्पून तड़के में जाएगी और 1/2 स्पून हम यहाँ कढ़ी में डालेंगे। बात करते हैं तड़के की। तड़के में जाएगी जीरा और सूखी लाल मिर्च, कुछ हरी मिर्च जिसको हमने चीरा लगा लिया है, कोरिएंडर लीव्स जिसे धनिया की पत्ती कहते हैं, और जाएगी थोड़ी सी हींग। करेंगे हमने लिया है 1 मिक्सी का जार। मिक्सी के जार, जो मिक्सी में जिसके पास मिक्सी नहीं है वो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और सभी को विस्कर से या स्पून की सहायता से उसे इस मिश्रण को फेंट लेंगे। हम यहाँ डाल रहे हैं दही, इससे हमको होगा क्या, आसानी होगी। हम 2 चम्मच बेसन लिए हैं और नमक, यानी सभी मसाले को हम यहाँ पर डाल देंगे, लाइक हल्दी पाउडर, भुना जीरा, धनिया पाउडर और 1/2 स्पून लाल मिर्च और गरम मसाला छोड़ के। अब जिस कप से हमने दही लिया है उसी कप से हम यहाँ पर 2 कटोरी यानी पानी ले लेंगे, ताकि गढ़ी जो है पीस भी जाए और इसमें गांठ भी ना रहे। ध्यान रहे सिर्फ आपको हाथ से भी फेंटें तभी भी बेसन में कोई लम्प्स नहीं ना, इस मिश्रण में कोई लम्प्स नहीं हो, और गांठ भी इसमें भी मिक्सी के जार में जब हम चलाएंगे तो इसमें भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। चलिए हमने मिक्सी में से देख पा रहे हैं बिल्कुल गांठ नहीं है, विदाउट लम्प्स है और बिल्कुल झाग हो चुकी है। चलिए एक बार चने को चेक कर लेते हैं। चलिए काले चने बिल्कुल उबल चुके हैं, कैसे पता लगेगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये पीस जाएगी। तो चलिए ये तैयार हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी इसको चाहे तो मिक्सी में मैश कर लें या इसे कोई भी इसे मैशर की सहायता से इसे मैश कर लेंगे। कितना, 1/4 सारे चने नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ।
गैस हमने एक कढ़ाई लिया है, यहाँ पर हम यहाँ घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी ले सकते हैं। डालेंगे जीरा, जब जीरा चटक जाए तब लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल दें और थोड़ी सी हींग। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और जब ये चटक जाए तो जो दही वाला मिश्रण है हम उसे डाल देंगे। अब इस मिश्रण को गैस की फ्लेम मीडियम रख के यानी मध्यम रख के इसे चलाते जाएंगे। जब जितना ये चलाएंगे कढ़ी ना, एक तो क्या होगा इसके नीचे बैठेगी नहीं, और जितना आप इस कढ़ी को चलाएंगे उतना ही इसका रिजल्ट बेहतर होगा। इसे पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। कढ़ी को बिल्कुल, कढ़ी हमारी जो है एक उबाल आ चुकी है। अब जो हमने चने को मैश करके थोड़ी सी रखा और चने को उबाल के उसमें हम यहाँ डाल देंगे, और इस चने को भी मीडियम फ्लेम पे जब हम चने डाल लें तो इसको भी आपको 5-10 मिनट तक इसे पकने दें, जब तक कि इसका टेक्सचर जो है क्रीमी ना आ जाए और एक गाढ़ी टेक्सचर दे दे। और जितना इसे आप पकाएंगे उतना उसका अच्छा स्वाद भी आएगा। इसको भी पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी कढ़ी जो है चने कढ़ी रेडी हो चुकी है। आपने देखा कि कितना वक्त कम लगा पकते हुए, बहुत झटपट बन जाती है और एक नई रेसिपी भी हो जाती है तैयार। चलिए गैस को ऑफ नहीं करते हैं, हमने एक कढ़ाई लिया हुआ है। आप यहाँ तड़के वाली पैन भी ले सकते हैं। हमने यहाँ 1 स्पून घी लिया है, यहाँ आप तेल भी ले सकते हैं। इसको हम यहाँ तड़का लगाएंगे। हमारी पिघल चुकी है, अब हम इस वक्त जीरा डाल देंगे। जीरा चटक जाए तो हम लाल मिर्च साबुत डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे हींग। गैस को करते हैं ऑफ। अब इस वक्त हम यहाँ हरी मिर्च डाल देते हैं और लाल मिर्च डाल देते हैं, और ये गरम मसाला जो हमने रखा हुआ था वो डाल देते हैं। प्रोसेस आपको गैस ऑफ करके ही करना है। जो कढ़ी बना के रखे हैं उसमें हम तड़का डाल देते हैं। इसके ऊपर हम हरा धनिया, यह ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो नहीं डालें, एक अच्छा स्वाद देने के लिए हम यहाँ पर सर्व। चलिए हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे गर्मा गर्म कढ़ी को प्लेन लेमन राइस के साथ आज सर्व किए हैं, तो चावल के ही साथ खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनी है। चने इतने फायदेमंद होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ इंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और हाँ साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं।